बिहार चुनाव से पहले खाकी टू खादी की यात्रा चल रही है। बिहार के पुलिसिया तंत्र के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब विधायक जी इन वेटिंग बन गए हैं। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी नौकरी को वक्त से पहले बाय बाय कहा और फिर नीतीश कुमार को हाय हेलो। संविधान कानून या फिर किसी भी लिखित कागजात में ये तो नहीं लिखा कि एक डीजीपी या पुलिस अधिकारी नौकरी छोड़कर चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन जब किसी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की कमान संभालने वाला सत्ता में बैठी पार्टी से दिल मिलाएगा तो जनता के दिमाग में सवाल तो उठेगा, जनाब ऐसे कैसे। गुप्तेश्वर पांडे बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू में शामिल हो गए। बक्सर सीट से पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। 5 महीने बाद वो रिटायर होने वाले थे, फिर अगला चुनाव 2025 में, मतलब 5 साल का इंतजार करना पड़ता। वीआरएस लेने से पुलिस डिपार्टमेंट और पावर तो गया, ऐसे में सिर्फ पॉलिटिक्स ही कुर्सी पर बनाए रख सकती है। वैसे 2009 में भी पांडे जी नौकरी छोड़कर चले गए थे, चर्चा थी कि चुनाव लड़ेंगे, हालांकि बाद में उन्होंने नौकरी में वापस आने की इच्छा जताई और फिर नीतीश कुमार ने ही उन्हें वापस नौकरी भी दे दी। कहते हैं पूत के पांव पाले में ही दिखने लगते हैं। पांडे जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी कम और तीर वाली पार्टी मतलब जेडीयू के प्रवक्ता की तरह बयान के तीर छोड़े जा रहे थे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी, तब फैसले के तुरंत बाद गुप्तेश्वर पांडे के मुंह से ये शब्द निकले, बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। हालांकि उन्होंने इसके लिए सफाई भी दी थी, लेकिन कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। टैक्स के पैसे से वेतन उठाने वालों से जनता सवाल भी पूछ सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जितनी बेचैनी थी, वो बेचैनी बिहार के बढ़ते क्राइम पर क्यों नहीं दिखी। इस बात को समझने के लिए चलिए हम आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। साल 2019 चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने गुप्तेश्वर पांडे को बिहार का डीजीपी बनाया। इनके डीजीपी रहते हुए बिहार में करीब 5000 मर्डर के मामले सामने आए, जिसमें से 2019 में 3138 और साल 2020 के जुलाई महीने तक 1813 मर्डर के मामले सामने आए, जबकि 2017 में 2800 और 2018 में 2934 मर्डर के मामले सामने आए थे। यही नहीं, जहां साल 2017 में 1594 और 2018 में 1734 रॉबरी हुई थी, वहीं 2019 में ये बढ़कर 2400 के करीब पहुंच गया। वैसे गुप्तेश्वर पांडे का चुनाव लड़ना या राजनीति में आना कोई देश का पहला मामला नहीं है। इनसे पहले करीब करीब हर पार्टी में पुलिस अधिकारी से लेकर जज शामिल हुए हैं, वो भी नौकरी और राजनीति में आने के बीच ज्यादा गैप भी नहीं था। यहाँ तक कि देश के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई का नाम भी ऐसे ही लिस्ट में शामिल है। 9 नवंबर 2019 को उनकी अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने ही अयोध्या विवाद पर फैसला दिया था और 17 नवंबर को पद से वो रिटायर हुए। फिर 19 मार्च 2020 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। अगर बिहार की ही बात करें तो पूर्व आईपीएस सुनील कुमार पुलिस भवन निर्माण निगम के सीएमडी पद से रिटायर होने के 1 महीने के अंदर ही जेडीयू में शामिल हो गए। 31 जुलाई को रिटायर हुए और 29 अगस्त को जेडीयू में ऑफिशियली एंट्री। देश की बात करें तो ऐसा कमाल कई और लोग कर चुके हैं। अजीत जोगी, मणिशंकर अय्यर, यशवंत सिन्हा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह जैसे बड़े नाम भी सिविल सेवा से राजनीति में आए। ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ रायपुर जिला के कलेक्टर रहते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने अमित शाह के सामने बीजेपी की सदस्यता ली थी। 2014 में झारखंड की आईएएस विनोद किसपोट्टा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजनीति में आने के लिए उन्होंने वीआरएस ले लिया था। जैसा कि हमने पहले बताया, कानूनन ये गलत नहीं, लेकिन पब्लिक लाइफ में परसेप्शन बड़ा अहम है। नौकरी छोड़ने और राजनीति के बीच थोड़े समय का अंतराल आ जाए तो भी गनीमत है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आज अफसर और कल नेतागिरी। तो हम तो पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे।